यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा कि हमारी बच्ची जो हमसे 200 का दूर रहती है उसको 4-4 महीने हमसे नहीं मिलने दिया पुनर्वासियों को, और हमारा जो हो फैमिली डॉक्टर था उसको नहीं मिलने दिया, आने नहीं दिया 3-3, 4-4 महीने, और बहन भाइयों को नहीं मिलने देते थे 2-2 महीने 3-3 महीने। और आप अभी भी देख लें कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, ख़ासतौर से हुक्मरानों में नहीं और कहीं नहीं मिलेंगे। इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पर जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं डाकू उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते, वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार हैं नौमौलूद बच्चे की तरह। अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे, जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते, डबल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए। आज भाई ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत बहुत पेशकशें थीं, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया।